हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। सो आज इस वीडियो में हम लोग रूट कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एज पर डिफरेंट फेमिनिस्ट थ्योरी, जो कि पार्ट टू है हमारे वीमेन एंड क्रिमिनल लॉ के सीरीज का, उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिफरेंट फेमिनिस्ट थ्योरी, जैसे कि आपका लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, साइबर फेमिनिज्म और मल्टीकल्चरल या ग्लोबल फेमिनिज्म, इन डिफरेंट फेमिनिज्म्स फेमिनिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है रूट कॉज ऑफ वायलेंस क्या है अगेंस्ट वुमेन, इस पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कई बार फेमिनिज्म का मतलब बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है। फेमिनिज्म, जब भी कोई आप डेफिनेशन देखिए तो डेफिनेशन को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसको हमेशा याद रखिए और उसके वर्ड्स को खासतौर से याद रखिए, क्योंकि अगर आप जनरलाइज्ड अपने मन के अकॉर्डिंग कोई वर्ड्स यूज करके डेफिनेशन देंगे तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए इस जो डेफिनेशन को, एक ही लाइन का डेफिनेशन है और इसमें दो ही तीन वर्ड इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए और ध्यान से उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सो फेमिनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म वर्ड रेफर करता है एक कमिटेड इंक्वायरी और एक्टिविटी। इंक्वायरी मीन्स किसी चीज को जानने के लिए, उसको जो हम लोग इंक्वायर करते हैं, टू इंक्वायर, टू नो, और एक्टिविटी मीन्स समथिंग, सम एक्ट। ये दो, इंक्वायरी है और एक्टिविटी है, ये किसके, किस चीज के लिए है? सो इनका, ये जो इंक्वायरी और एक्टिविटी है, ये डेडिकेटेड है एक्सटेंट ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन, मीन्स किस हद तक वुमेन का सबऑर्डिनेशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके अलावा उसका कारण क्या है, उस सबऑर्डिनेशन का, वो जो सबऑर्डिनेशन है वुमेन का, उसका कारण क्या है? क्योंकि अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग एरिया है, उसमें डिफरेंट हो सकता है, उसमें रीजंस डिफरेंट हो सकता है। तो उसको, उस रीजंस को समझना और साथ ही साथ प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना ताकि जो चेंजेज हो सके, मींस ऑफ चेंज को डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट द मींस ऑफ चेंज, मीन्स चेंज जिस, जो वैसा चीज को इम्प्लीमेंट करना जिससे ये चेंजेज आ सके उनके लाइफ में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, मीन्स उनका लाइफ कहीं ना कहीं बेटर हो पहले से। ये हम लोगों ने क्या समझा है, इसको फिर से देखिए। देखिए, फेमिनिज्म एक ऐसा, फेमिनिज्म किस चीज को रेफर करता है? फेमिनिज्म एक कमिटेड इंक्वायरी और एक्टिविटी है जो डेडिकेटेड है वुमेन के सबऑर्डिनेशन के एक्सटेंट को समझने के लिए, उनके कारण क्या है उनको समझने के लिए। और जब हम किसी चीज के कारण को, किसी चीज को समझते हैं, उसके कारण को समझ लेते हैं, तो फिर अगला हमारा मकसद क्या होगा? हम कुछ प्लान करेंगे और कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो जो सिचुएशन है, उस सबऑर्डिनेशन का जो सिचुएशन है, वो चेंज हो। तो फेमिनिज्म इसी पे वर्क करता है। फेमिनिज्म का एरिया क्या है? फेमिनिज्म इसी चीज को लेके वर्क करता है। आप जितना भी फेमिनिस्ट थ्योरी देखिएगा, उस सारे फेमिनिस्ट थ्योरी में एक चीज आपको इम्पोर्टेंट, यही इंग्रेडिएंट्स मिलेगा। वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा डिफरेंट एरिया में। सपोज कीजिए कि वो इंडिया में, बिहार में, अगर वो चर्चा करेगी बिहार में विमेन का क्या स्टेटस है, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वहां पे रीजन ऑफ सबऑर्डिनेशन जानेगा। सपोज कीजिए कि आके यहाँ पे रीजन ऑफ सबऑर्डिनेशन जाने कि इसका कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे अशिक्षा ज्यादा हो, इलिटरेसी ज्यादा हो, इसलिए विमेन का सबऑर्डिनेशन है। और जब हम सबऑर्डिनेशन के बारे में जान लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि किस एक्सटेंट पे है। सपोज कीजिए 80% वुमेन बिहार में जो है, सपोज कि हमको डेटा एग्जैक्ट हम नहीं बोल रहे, बट 80% सपोज कीजिए वुमेन है जो हाउसवाइफ है, सपोज कीजिए। तो 80% अगर वुमेन हाउसवाइफ है, घर से बाहर नहीं निकल रही है, तो उनका कारण क्या है? इलिटरेसी हो सकता है। अगर इलिटरेसी अगर कारण है तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ प्लान करेंगे, कुछ उस डेटा को प्लान करके फिर क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ चेंज को। तो ये बेसिकली फेमिनिज्म है ना, ये फेमिनिज्म यही हो गया। फेमिनिज्म क्या है,
ये जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और ये डेफिनेशन जो है इजिली आपको याद भी रह जाएगा। तो ये जो कमिटेड इंक्वायरी है या इस टुवर्ड्स एक्टिविटी है ना, ये हर जगह जो है एक्टिव जो इंक्वायरी एक्टिविटी है ये फेमिनिज्म के दायरे में आता है। अगर हम डिफरेंट थिंकर्स की बात करें तो हर थिंकर का अपना एक विचार है, अपना एक परसेप्शन है कि ये जो सबऑर्डिनेशन है इसका कारण क्या है, और इसी को अलग अलग थियरी थे थिंकर्स ने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को जोड़ करके उनके सबऑर्डिनेशन को, विमेन के सबऑर्डिनेशन को जो है मीन्स विमेन के सबऑर्डिनेशन के कारण को बताने का प्रयास किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। तो जो फेमिनिज्म है, एक्चुअली फेमिनिज्म क्या है, ये सारा जो कलेक्शन है सोशल थियरीज का, पॉलिटिकल मूवमेंट का, मॉरल फिलोसफीज का, इन सारे चीजों का एक तरह का कलेक्शन है। क्योंकि जब हम पूरे कलेक्शंस को देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि विमेन, क्योंकि विमेन का एरिया एक ऐसा एरिया है, कास्ट सिस्टम तो केवल मान लीजिए इंडिया के अंदर रेलेवेंट है, बाहर रेलेवेंट नहीं है, लेकिन विमेन का सबऑर्डिनेशन एक ऐसा इशू है जो ग्लोबली पाया गया। सो उन सारे का कलेक्शंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सारे के सारे कलेक्शंस जो है वो फेमिनिज्म का पार्ट हो सकता है। और इनइक्वलिटीज किस किस टर्म में हो सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर फॉर्म ऑफ जो है इनइक्वलिटीज हो सकता है। अगर हम बात करें परसेप्शन का, ये जो हमने बात किया कि डिफरेंट थिंकर्स का डिफरेंट परसेप्शन है, तो ये जो परसेप्शन है उसको हम 6 आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहला जो मूवमेंट था वो लिबरल फेमिनिज्म का था। लिबरल फेमिनिज्म पे हम चर्चा करते हैं, तो लिबरल फेमिनिज्म जो है वो 18वीं शताब्दी में इसका ओरिजिन माना जाता है, जब इनलाइटमेंट, जहाँ पे इनलाइटमेंट का मतलब हम लोग जानते हैं कि रीजन, जहाँ पे किसी भी एक्ट के पीछे का रीजन जाना जाने लगा, मीन्स रीजन को हमेशा सर्च किया जाने लगा। हम जानते हैं कि पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट था, इनलाइटमेंट 18th सेंचुरी में आया, जहाँ पे हर साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और साइंस का डेवलपमेंट के बाद रीजन का डेवलपमेंट, एज ऑफ रीजन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें अगर लिबरल फिलोसफी में, तो एक इम्पॉर्टेंट टीनेंट था लिबरल फिलोसफी का, वो था इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब कि इंडिविजुअल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हर इंडिविजुअल अपने आप में एक पोजेस करता है फ्रीडम, और वो फ्रीडम क्या कि वो फ्रीडम वो इंजॉय कर सकता है अपने अकॉर्डिंग वो विश करता है, जो उसको करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, मीन्स उसके इस फ्रीडम को एंजॉयमेंट में कोई भी दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपने किताब विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन में ये आर्ग्यू किया कि जो विमेन है, विमेन सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है, वो कोई सेक्सुअल बीइंग नहीं है, विमेन एक रैशनल क्रिएचर है, वो उनके पास अपने आप को गवर्न करने का पूरा कैपेबिलिटी है, उनके पास रीजन है, इसलिए विमेन को नेचुरल राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता। और नेचुरल राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स एक नेचुरल राइट्स है, और इसीलिए विमेन को नेचुरल राइट्स से डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास रीजन है, उनके पास खुद को गवर्न करने का क्षमता है, वो किसी के अंदर उनको सबऑर्डिनेशन रहने की जरूरत नहीं है। अगर जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो रैशनल कैपेसिटी नहीं है, तब तक आप नेचुरल राइट्स कैसे किसी को डिनाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकेंड थिंकर है वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी द सब्जेक्शन ऑफ विमेन में आर्ग्यू किया कि जो डिफरेंट सेक्सेस हैं उनके बीच में जो रिलेशंस है, जो लीगल सबऑर्डिनेशन है एक सेक्स का दूसरे के ऊपर, दूसरे के अंदर, ये अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है ह्यूमन के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है,
और इसको हटा दिया जाना चाहिए, इसको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, किसी भी तरह के पावर और प्रिविलेजेस को रिप्लेस किया जाना चाहिए, है ना। और दूसरे के डिसेबिलिटी को भी, मीन्स किसी एक को पावरफुल बना के दूसरे को डिसेबल बनाना नहीं चाहिए, बल्कि इक्वालिटी एक मेंटेन किया जाना चाहिए। लिबरल्स जो फिलोसफर्स, जो फेमिनिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हालांकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया एक समाज में एक कॉमन अरेंजमेंट है, एक कॉमन अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट से क्या है कि जो मैन है वो फैमिली इनकम के लिए अर्न करता है ना, और वाइफ जो है वो डोमेस्टिक दायरे में अपना काम करती है, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर देखती है। सो वाइफ अगर घर के बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो वो अपना जो काम है वो नहीं, ठीक से नहीं कर पाएंगी, जो चाइल्ड रियरिंग का या हाउस मैनेजमेंट का जो काम है वो नहीं कर पाएंगी। सो इसलिए वाइफ को अपने जो काम है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा लिबरल्स थॉट ने एक्सेप्ट कर लिया। तो लिबरल थॉट्स बेस्ड, लिबरल जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि जो सेक्स रोल डिफरेंसेस है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही फिर कि दोनों को इक्वल बट ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने देखा था कि कैसे पिछले पार्ट वन में कि कैसे जो सेक्स रोल डिफरेंसेस था, मीन्स मेल का काम को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलना और वुमेन के काम को ज़्यादा अप्रिसिएशन ना मिलना, तो लिबरल थॉट्स ने इन बातों को खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों का काम इक्वल है, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस उतना ही है। हाँ, उन्होंने किसी तरह के अरेंजमेंट को काउंटर करने का प्रयास नहीं किया। सो इसलिए उन्होंने इक्वालिटी की जब बात की तो उन्होंने सिविल राइट्स जो है विमेन के लिए भी डिमांड किया, जैसे राइट टू वोट, एजुकेशन, ये सारे कुछ विमेन को भी मिलना चाहिए। अगर हम बाद की बात करें तो बाद में कुछ लिबरल थॉट्स भी चेंजेज हुए। लिबरल थॉट्स जो है अपने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने जो है इनलार्ज करना शुरू किया। जब इनलार्ज करना शुरू किया तो उन्होंने सोशल कस्टम्स में इनको जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए एडवोकेसी की। उन्होंने जो है लॉज, एटीट्यूड्स, इंस्टीट्यूशंस, इन सारे चीज़ों पे भी चोट करना शुरू किया। तो बाद के दौर में लिबरल थॉट इस दिशा में आगे बढ़ा, जहां लिबरल थॉट शुरू में सेक्स रोल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है और जो कॉमन अरेंजमेंट है फैमिली के अंदर उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाद के समय में उन्होंने इस बात को थोड़ा सा अपने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इनलार्ज किया और उस उन्होंने ये एडवोकेसी की कि जो सोशल कस्टम है, इंस्टीट्यूशंस है, लॉज है, एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स वुमेन, ये सब कुछ भी चेंज होना चाहिए, ये सब कुछ भी चेंज होना चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें रेडिकल फेमिनिज्म की, तो रेडिकल फेमिनिज्म का जो बिगनिंग माना जाता है वो माना जाता है 1969 और 1970, इस दौर में रेडिकल फेमिनिज्म जो है का बिगनिंग माना जाता है। रेडिकल फेमिनिज्म जो है लिबरल फेमिनिज्म से अपने आप को अलग करता है। रेडिकल फेमिनिज्म का ये कहना था कि जो लिबरल फेमिनिस्ट थे उन्होंने जो है ना जो सेक्सुअल ऑपरेशन है या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा ही ओवरलुक किया है ना, हद से ज्यादा उन्होंने इस चीज को ज्यादा जो है एम्फेसिस किया, और उन्होंने रेडिकल फेमिनिज्म ने ये चीजें रिप्लेस की। उन्होंने कहा कि उनका जो लिबरल का था वो कहीं ना कहीं रिफॉर्मिस्ट था, लेकिन रेडिकल फेमिनिज्म का ये कहना था कि जो वोट के लिए जो उनका स्ट्रगल है या लीगल रिफॉर्म के लिए जो स्ट्रगल है ये तब संभव हो सकता है जब डिस्ट्रक्शन ऑफ पैट्रियार्की हो, यानी पैट्रियार्की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, जो रेडिकल फेमिनिज्म का प्रिमाइस था ये कहने का। उनका ये कहना था कि जो सबऑर्डिनेशन है विमेन का ये बायोलॉजिकल फैमिली में होने के वजह से जो है सबऑर्डिनेशन, यानी अगर फैमिली ही ना हो तो फिर वो सबऑर्डिनेशन नहीं, विमेन का रोल इनसाइड कन्फाइनमेंट नहीं होगा, और कन्फाइनमेंट नहीं होगा तो विमेन जो है फुल एंजॉय कर पाएंगी लिबर्टी, फ्रीडम, और जो हायरार्किकल सेक्सुअल डिवीजन सोसाइटी में
या जो सेक्स रोल्स है, इन सब में ही निहित है, इन सब के अंदर ये चीजें निहित है सबॉर्डिनेशन। उनका कहना था कि जो ये जो रेडिकल फेमिनिस्ट है उनका कहना है कि जो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है उसके द्वारा हम सोशल फंक्शंस एंड पावर इसके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, और जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है यही बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बाद में मेल को विमेन के ऊपर डोमिनेट करवा देता है। उनका ये भी कहना था कि जो पैट्रियार्की है ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट बन गया है, ये मींस सिंस एंशियंट टाइम्स ये चला आ रहा है, बहुत समय से चला आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल फैक्ट बन गया है जो बायोलॉजी में ज्यादा रूटेड है ना कि इकोनॉमी में रूटेड है ना। यानी कि एक उनका ये कहना था कि जो जेंडर रिलेशंस है वो फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है, वो खुद ही में अपने आप में फंडामेंटल फॉर्म ऑफ रिप्रेशन है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो रेडिकल फेमिनिस्ट का कंटेंशन था वो ये भी था कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो मैरिज और फैमिली के वजह से जो है प्रिजर्व होता आ रहा है। अगर ये मैरिज, ये फैमिली थ्रू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर न हो तो पैट्रियार्कल सिस्टम भी नहीं बचेगा, और इसके साथ ही जो विमेन का सबॉर्डिनेशन है वो भी नहीं रहेगा। सो रेडिकल फेमिनिस्ट का जो मेन जो एवर्टमेंट था वो ये था, वो केवल ये नहीं था कि आप जितना भी सेक्स डिस्टिंक्शन है उसको रिमूव कर दीजिए, लेकिन उनका ये भी मानना था कि मेन का कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए विमेन के लाइफ में। इसके अलावा रेडिकल फेमिनिस्ट का यहाँ तक मानना था कि जो मेन है उनको एनिमी कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बायोसाइकोलॉजिकल सुपरमेसी है मेल का वो फीमेल के सबॉर्डिनेशन का कारण बनता है। यहाँ तक कि रेडिकल फेमिनिस्ट का मानना था कि अगर हमको मेल डोमिनेंस को ओवरथ्रो करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए हमको सेक्सुअल रिवोल्यूशन की जरूरत है, कंप्लीट सेक्सुअल रिवोल्यूशन की जरूरत है, जिससे कि हम जो ट्रेडिशनल सेक्स टैबूज है उनको डिस्ट्रॉय कर सके, वेमेन को उन वेमेन के को अवेयर कर सके डोमिनेंस के बारे में, और इसी के थ्रू हम पूरी तरह से जो है मेन के डिपेंडेंसी से बाहर हो जाएंगे। रेडिकल फेमिनिस्ट का जो बिलीफ था वो सेक्सुअल प्रेफरेंस पे था, कंट्रोल ओवर वंस बॉडी पे था, फ्री सेक्स पे था, कलेक्टिव चाइल्ड केयर पे था। ये एग्जांपल्स आप साइट कर सकते हैं। कुछ जो मेन प्रोपाउंडर्स हैं रेडिकल फेमिनिज्म थ्योरी के वो हैं केट मिलेट, सुलेमिथ फायरस्टोन, एलन फ्रैंकफर्ट। फायरस्टोन, फ्रैंकफर्ट, मिलेट, ये आप नाम याद रखिए। तो रेडिकल फेमिनिस्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है। देखिए सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की जिन्होंने एडवोकेसी की वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का जो थ्योरी होता है लार्जली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे विमेन के सबॉर्डिनेशन का जो कारण बताया गया होगा वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को जोड़ करके ही बताया गया होगा। तो इस स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना था कि जो पुराना सोसाइटी था, अर्ली स्टेज का सोसाइटी का था, तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिव सोर्स था या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था वो ओन जो किया जाता था, उसका जो ऑनर था वो ट्राइब्स था या क्लास था, कोई पर्सन किसी का ऑनर नहीं था। और जो हाउस होल्ड था वो कम्युनिस्टिक टाइप का था, जहाँ पे जो कुछ भी संसाधन है वो सबके लिए है, और जो वर्क है वो वर्क कोई पर्सन खुद के लिए नहीं कर रहा है बल्कि वो कॉमन पर्पज के लिए कर रहा है, कॉमन हाउस होल्ड के लिए कर रहा है। और वो जो मेन और विमेन है वो अपने आप को डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेज है वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट है सेम गुड्स के लिए, और उनका वर्क डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे वर्क इन द सेंस डिवाइडेड नहीं है, इसका क्या मतलब, वर्क डिवाइडेड नहीं है इन द सेंस कि उनका जो होल वर्क है वो इसी बात पे है कि जो संसाधन इकट्ठे होंगे वो कॉमन पर्पज के लिए है। तो यहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप का किसी तरह का ख्याल नहीं है, यानी कि मेन का काम विमेन का काम अलग नहीं है।
नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं इस स्कूल में, तो ये स्कूल आर्ग्यू करता है कि जो नया जो अगला जो स्टेज आया वो आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वीमेन टू सबऑर्डिनेट वाइव्स, मींस वीमेन का पोजीशन जो है ट्रांसफॉर्म हो गया एक वीमेन से मतलब सबऑर्डिनेट वाइव्स, यानी कि अब वो हस्बैंड के सबऑर्डिनेट हो गए। और ऐसा कैसे हुआ तो वो आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा जो हुआ इसका मेन वजह था प्राइवेट ऑनरशिप का आना। जब प्राइवेट ऑनरशिप आया तो मेन और वीमेन के बीच का रिलेशन चेंज हो गया। अब जो है फैमिली में वीमेन जो है और चिल्ड्रन जो है ये प्रॉपर्टी लेस हो गए, डिपेंडेंट हो गए किस पे, हस्बैंड पे, क्योंकि अब यहाँ पे इनका काम फिक्स कर दिया जाएगा। और इसमें क्या हो गया कि जो हाउसहोल्ड था उसमें एक का काम हो गया प्रोडक्शन करना, मीन्स प्रोडक्शन, जैसे सपोज कीजिए हंटिंग का ही एग्जांपल लें, अगर हल्दी सोसाइटी तो हंटिंग का एग्जांपल है, तो प्रोडक्शन उनका काम हो गया और प्रोटेक्शन बाय मेन फॉर एक्सचेंज, मीन्स उसके बदले में मेन का जो मेन क्या देंगे उनको, वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो हाउसहोल्ड वर्क है, हाउसहोल्ड वर्क वुमेन का और मेन का, उसके बदले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये मेन का काम हो गया। इसके इस वजह से क्या होता है कि जो वीमेन का जो पोजीशन है वो डिटेरियरेट हो जाता है। वीमेन जो है अब सोसाइटी के लिए नहीं बल्कि हस्बैंड के लिए काम कर रही है, मीन्स कहीं ना कहीं मेल के सबॉर्डिनेशन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। सो इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि वीमेन का जो इन्फीरियर स्टेटस है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के वजह से आने के बाद हुआ, क्योंकि जब क्लासलेस, इनका मानना था कि जब क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस मीन्स क्लास डिवाइडेड नहीं था, सोसाइटी जो है कम्युनिस्टिक थी, उस समय क्या था कि जो प्रॉपर्टी था वो सबके लिए यूज में था, तो किसी का वर्क डिवाइडेड नहीं था, किसी का कोई काम कोई प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें नहीं थी, सबका वर्क, सब जो समान है वो सबका है, कोई वर्क है वो सबका, सब सबके लिए कर रहा है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो है प्रॉपर्टी ऑनरशिप का बात आया। ऑनरशिप का बात आने के बाद जो ऑनरशिप राइट है वो मेन को चला गया और फीमेल और जो चिल्ड्रंस हैं वो प्रॉपर्टी लेस हो गए और वो मेल पे डिपेंडेंट हो गए। इसके वजह से इसी यहीं से जो है वुमेन का सबऑर्डिनेशन आ गया। और इस स्कूल ऑफ थॉट का ये बिलीफ है कि जो पावरलेसनेस ऑफ वुमेन है सोसाइटी में, उसका जो वो जो रूट है वो चार बेसिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, में रूटेड है, जैसे प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअलिटी एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसी में रूट करता है वुमेन का जो पावरलेसनेस है। और अगर दूसरे वर्ड में कहें तो इनका मानना था कि जो फैमिली है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन के रूप में है जो वुमेन के ऑप्रेसिव कंडीशन को इन्फोर्स करवाता है, और फैमिली एंड इकोनॉमी जो है उसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, अलग अलग सिस्टम के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि एक इंटरैक्टिंग सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए। और जो अनइक्वल हायरार्किकल सेक्स रोल है वो फैमिली और इकोनॉमी दोनों में देखा जाता है, दोनों में ऑपरेट करता है। तो इस तरह से इस स्कूल ऑफ थॉट का मानना था कि विमेन का जो इश्यूज है वो स्पेसिफिक है, इसलिए उनका जो फोकस होना चाहिए उसका, वो एनालिसिस का वो मीन्स फोकस्ड होना चाहिए, फोकस्ड एनालिसिस होना चाहिए, उनको एक अलग अटेंशन दिया जाना चाहिए, फोकस्ड अटेंशन दिया जाना चाहिए। साथ ही जो विमेन का ग्रुप है वो इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लेकिन वो दूसरे के स्ट्रगल्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो ऑपरेशन के विरुद्ध जो दूसरे ग्रुप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो हम जानते हैं कि जो हैव्स और हैव्स नॉट का जो कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा इस ओर भी है कि वो भी और वुमेन का ग्रुप, ये सब कोई पावर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑपरेशन के विरुद्ध ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑपरेशन के जो ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन ग्रुप का इसको भी वुमेन ग्रुप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, अब यहाँ से जितना भी स्कूल ऑफ थॉट है उसमें बहुत लार्ज चेंज नहीं आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये फोर्थ हमारा स्कूल ऑफ थॉट है। देखिए, इस स्कूल ऑफ थॉट ने
एक बेसिक चेंज ला दिया वो ये था कि जो लिबरल फेमिनिज्म जहाँ पे बात कर रही थी, मतलब यूनिवर्सल सेंस में उन्होंने विमेन के सब्जेक्ट्स को उठाया था, विमेन की इक्वलिटी को, इक्वलिटी की बात कही थी, उनके राइट टू वोट की बात कही थी, उनके एजुकेशन की बात कही थी, ये चीज़ कहीं ना कहीं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म ने उस यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स को डिसॉल्व कर दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए जो विमेन का जो पॉइंट है उसको हम यूनिवर्सली एड्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस स्कूल ऑफ थॉट ने अपनी बातें रखी, इस स्कूल ऑफ थॉट ने ये बात कही। जो विमेन है जो वो उनका जो रिएक्शंस है, उन्होंने एग्जांपल के तौर पे टेक्नोलॉजी से उसका मैं उनका रिएक्शंस को देखा, तो उन्होंने बताया कि जो विमेन का रिएक्शन है टेक्नोलॉजी का, वो डिफरेंट क्लास में, रेस में, सेक्सुअलिटी में, कंट्री में, ये डिफर कर जाता है। उनका जो बिहेवियर है वो क्रॉस कल्चरली वेरी कर जाता है। मीन्स सपोज कीजिए जो जो डेवलप्ड कंट्रीज में विमेन है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में विमेन है, उन सारे का जो समस्या है वो मतलब डिफर कर जाता है। उनका जो जो आप क्लास, रेस, सेक्सुअलिटी, इसके आधार पे उनका जो जो बिहेवियर है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो चेंज हो जाता है। इसलिए उन जेंडर गैप को, इस विमेन के जेंडर गैप को बिना इस चीज़ को ध्यान में रखे कि उस जगह पे जो चेंजिंग फैक्टर है उसको बिना ध्यान में रखे हम यूनिवर्सली एड्रेस करें तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो साइबर फेमिनिज्म का है। साइबर फेमिनिज्म, जाहिर सी बात है साइबर वर्ड ऐड हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी, इसमें जो न्यू इरा है जो इंटरनेट का या जो इरा है जो उसका बात होगा। इसमें इस स्कूल ऑफ थॉट में ये बातें जो है आर्ग्यू की गई कि जो इंफॉर्मेशन है और जो कम्युनिकेशन है वो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है ना। जो साइबर फेमिनिज्म है ये जेंडर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्यूजन से बना है। जो 1980s में और 1990s में जब इंटरनेट का दौर हुआ तो ये उस समय के दौर में साइबर फेमिनिज्म टर्म भी सामने आया। और इस स्कूल ऑफ थॉट का जो बेसिक और क्लियर कहें कि इस स्कूल ऑफ थॉट का कोई क्लियर या एक्सप्लिसिट एप्लीकेशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन इनका एडवोकेसी मेजरली ये है कि विमेन जो है न्यू इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावरमेंट हो सकती हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट साइबर फेमिनिज्म बेसिकली इसी पे फोकस करता है। उसके बाद जो छठा स्कूल ऑफ थॉट है वो मल्टीकल्चरल या ग्लोबल फेमिनिज्म का है। देखिए मल्टीकल्चरल या ग्लोबल फेमिनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो मल्टीकल्चरल फेमिनिज्म है ये एड्रेस करता है विमेन के नीड्स को रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, फिजिकल एबिलिटी या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स इन चीज़ों को बिना एड्रेस किए वो विमेन के नीड को एड्रेस करता है। मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस रेस से हैं, किस क्लास से हैं, किस सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हैं, किस एज के हैं, किस फिजिकल एबिलिटीज को पोजेस करते हैं या कोई भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को उतना फोकस नहीं करता है। जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सोशलिस्ट स्कूल के बाद पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्सली एड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मल्टीकल्चरल फेमिनिज्म में हम इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए विमेन के नीड को एड्रेस करते हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट में एम्पावरमेंट ऑफ विमेन पे इम्फेसिस किया जाता है, उस सोसाइटीज और कल्चर के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए जिस कल्चर और सोसाइटी में पार्टिकुलर विमेन रह रही हैं वहाँ पे उनका उसी कंटेक्स्ट में एम्पावरमेंट कैसे किया जाए इस पे इम्फेसिस होता है। देखिए मल्टीकल्चरल फेमिनिज्म का एक और खास बात यह है कि ये जो डिफरेंसेस को स्टडी करती हैं वो केवल जेंडर के बेस पे नहीं बल्कि और भी एरिया, जैसे
जो ऑपरेशन है क्लास एथनिसिटी सेक्सुअलिटी या एबल बॉडीनेस एज, इसमें जो इस आधार पे भी जो ऑपरेशन होता है उसको भी इंक्लूड करती हैं। दूसरा जेंडर और रेस का इंटरसेक्शन से, जो रेस यहाँ पे RAC रेस जेंडर और रेस के इंटरसेक्शन से जो ऑपरेशन हो रहा है उसको भी स्टडी करती हैं। और साथ ही साथ जो कॉलोनाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उस इशू पे भी फोकस करता है ये स्कूल ऑफ थॉट। तो ये 6 स्कूल ऑफ थॉट था जो हम लोगों को देखना था। अब अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बात को समझे कि इन स्कूल ऑफ थॉट्स में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लार्जली देखा जाता है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लार्जली हम लोग देखते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच जो है डोमिनेंट हो दिखाई पड़ता है, जहाँ पे हम जानते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म ने जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें ही सुधार करने की बात कही है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाए रखना भी उन्होंने जो है एडवोकेट की थी, तो वो चीज़ यहाँ पे भी दिखता है। क्योंकि इंडियन जो सोशल रिफॉर्मर आए 19th century में, उन्होंने इसी बात पे चर्चा की कि विमेन के राइट के राइट को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके राइट टू एजुकेशन को बनाया, राइट टू एजुकेशन को भी किया जाए। और ये लार्जली उनको इसलिए किया गया ताकि वो एक अच्छी वाइफ बन सकें, अच्छी माँ बन सकें, और इसके साथ ही कुछ कस्टम्स को भी जो है इबॉलिश किया गया। हम लोग देखे थे कि किस तरह से जो लिबरल फेमिनिज्म है बाद के समय में उन्होंने अपने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इनलार्ज किया था, जिसमें उन्होंने इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनके खिलाफ भी बातें रखी थी, ये कस्टम्स नहीं होने चाहिए थे, जैसे सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज, और जो बैन था विडो मैरिज का वो हटा दिया जाना चाहिए और रीमैरिज को अलाउ किया जाना चाहिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की एडवोकेसी की गई थी 19th century में। हालांकि कुछ जगह जहाँ पे इंडिया में जहाँ पे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट सफिशिएंट नहीं है, अंडर डेवलप्ड एरिया, वहाँ पे रेडिकल फेमिनिस्ट और सोशल फेमिनिस्ट के विचारधारा को भी प्रमोट किया जाता है, देखा गया है। सो लार्जली लिबरल बट रेडिकल फेमिनिस्ट और सोशल फेमिनिस्ट भी इंडिया में रेलिवेंट है। सो ये था हमारा टॉपिक, फुल डिस्कशन, और इसमें जब क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप में जाके डिस्कस करने के बजाय बेसिक्स बातों पे ज़्यादा फोकस किया, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको हेल्प मिल जाए। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली, कई जगह आपको लगता है कि और भी कुछ ऐड कर सकते, बट जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो फिर आपके पास एक हैंडी होना चाहिए जो इजीली आप लिख सके, तो ये उसमें आपका हेल्प कर देगा। सो ये था मेरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक भी जल्द लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।